हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे वी आर स्टार्टिंग विद ग्रामर. ग्रामर में हम करेंगे लेसन नंबर 19, एम इज एंड आर. ओके, ये तीन हम करेंगे. लेट्स सी, वी यूज एम इज एंड आर टू शो द प्रेजेंट. ये जो एम इज आर, ए एम एम, आई एस इज, ए आर ई आर, ये जो तीन वर्ड है ये हम यूज करते हैं कि जो हमारे प्रेजेंट में चल रहा है वो शो करने हम यूज करते हैं. रीड दिस सेंटेंस. आई एम हैप्पी. अभी हम एम किधर लगाते हैं? जब हम अपने बारे में बोलते हैं, जैसे कि आई एम 6 year old, आई एम गोइंग टू प्ले, तो एम हम अपने लिए यूज करते हैं. जब भी हम हमारे बारे में बात करेंगे तो हम एम लगाएंगे. इज, ये जो आई एस इज है हम कब लगाएंगे? जब कोई ही शी इट, जब आप कोई सिंगल पर्सन हो तब हम इज लगाएंगे. जब एक से ज़्यादा दो तीन है तो तब हम आर लगाएंगे. देखो, ही मतलब क्या इंडिकेट करे कि एक ही लड़का है. शी इज़ हैप्पी मतलब वो बोल रहा है कि वो बहुत खुश है, मतलब वो एक ही जन की बात कर रहा है, दैट इज गर्ल. इट, एक ही जन की, डॉग, एक ही जन की बात कर रहा है. वी मतलब आ जाता है मोर देन टू. यू मतलब टू, यस, दो जन. दे, द चिल्ड्रेंस आर हैप्पी. तो यहाँ पे मोर देन टू लोगों की बात होती है तब हम आर यूज करेंगे. जब ओनली सिंगल लोगों की बात हो रही है तो हम इज यूज करेंगे. जब हम खुद की बात करते हैं तब हम एम यूज करेंगे. ठीक है, वी लर्न दिस. वी यूज एम विद आई. हम आई के साथ ही एम लगाते. जब हमारा एम है वो हमेशा आई के साथ ही जाता है. आई के बाद एम लिखते हैं. वी यूज इज. अभी इज हम का यूज करते हैं? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के बाद. ही, शी, इट, देखो, ही के बाद इज यूज किया, शी के बाद इज यूज किया, इट के बाद इज यूज किया, और जो भी नॉर्मल सिंगुलर नाउन है उसके बाद हमने इज यूज किया है. वी यूज आर. अभी हम आर किधर यूज करते हैं? वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स. देखो, वी के बाद हमने आर यूज किया, यू के बाद आर यूज किया, दे के बाद आर यूज किया, तो ये आपको याद रखना है टेबल. ठीक है, आई एम 10 years old. सेंटेंस क्या बोल रहा है? आई, तो मैंने क्या बोला? एम किधर यूज होएगा? आई से बाद, तो हम एम लिखेंगे. अभी ही है ना, तो हमने क्या बोला था? अगर ही है तो हम क्या लिखेंगे? इज. ठीक है, माई सिस्टर डैश इन द किचन. अभी बताओ, अभी माई सिस्टर कोई सिंगुलर है ना, एस लगाए सिस्टर्स तो प्यूरल हो जाएगा फॉर्म. सिस्टर है ना, तो मतलब यहाँ पे हम इज लगाएंगे. वी मतलब अभी देखो, वी बोला ना तो दो जन की बात कर रहा है वो, तो दो जन आए तो आर, ए आर ई आर. द मंकीज, मंकीज, एस आया है मंकीज में, मतलब वो प्यूरल फॉर्म में है, तो प्यूरल फॉर्म में है तो हम वहां पे आर लगाएंगे. ठीक है, एप्पल, एक ही एप्पल की बात किए है तो इज लगाएंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेसन नंबर 20, वॉज एंड वेर. वी यूज वॉज एंड वेर टू शो द पास्ट. अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि इज एम आर ये शो करता है प्रेजेंट. अभी वॉज एंड वार वेर टू शो द पास्ट, जो हो चुका है उसके बारे में बताने के लिए हम वॉज एंड वेर यूज करते हैं. सेम वही है, आई वॉज हैप्पी. जब एक जन की बात हो रही है तो हम वॉज यूज करेंगे. जब मोर देन टू पीपल लोग की बात होगी तब हम वेर यूज करेंगे. देखो, उससे पहले हम क्या कर रहे थे? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन पे हम इज लगाते थे, तो इसमें हम क्या करेंगे? अगर हम पास्ट के बारे में बता रहे हैं तो हम वहाँ पे वॉज लगाएंगे. डब्ल्यू ए एस, वॉज. देखो, आई के साथ वॉज यूज किया है, ही के साथ वॉज यूज किया है, शी के साथ वॉज यूज किया है. ठीक है, इट के साथ वॉज यूज किया है, और डॉग, ये सब हमारे सिंगुलर नाउन है, और ये सिंगुलर फॉर्म है, और ये हमारे वर्ड्स है, तो हम इनके साथ ही यूज करते हैं. अभी यहाँ पे देखो, उसमें जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे, जब मोर देन टू पीपल थे तो हम आर यूज करते थे, राइट?
तो उसके साथ हम क्या कहें, वीर अगर वी रहेगा तो हम आर लिखेंगे, यू रहेगा तो आर लिखेंगे, दे रहेगा तो आर लिखेंगे, ये और प्यूरल फॉर्म रहेगा तो आर लिखेंगे। उसमें आर लिखते थे प्रेजेंट में, हम पास्ट में क्या लिखेंगे, वेर। वी रहेगा तो वेर लिखेंगे, यू रहेगा तो वेर, दे रहेगा तो वेर, और कोई से प्यूरल फॉर्म होगा वहां पे हम वेर लिखेंगे। ठीक है, देखो वही मैंने आपको बताया है कि हम वॉज किधर यूज करेंगे, जहाँ पे आई ही शी इट और सिंगुलर फॉर्म स्टार्टिंग में रहेगा, उसके बाद हम वॉज लिखेंगे। और अगर स्टार्टिंग में वी यू दे और या फिर प्यूरल फॉर्म रहेगा जिसमें एस लगा हुआ रहेगा, वहां पे हम वेर लिखेंगे। ठीक है, अभी देखो, द प्रिंसेस वॉज वेरी ब्यूटिफुल बट द फ्रॉग वॉज अगली। द प्रिंसेस वॉज वेरी ब्यूटिफुल, एक जन की बात कर रहा है ना कि जो प्रिंसेस है वो ब्यूटिफुल दिखती, तो हम वॉज देखेंगे, लेकिन फ्रॉग वॉज वेरी अगली, कॉमा डाला और दूसरा सेंटेंस चालू हुआ है, तो मतलब वो एक ही जन की बात हो रही है। द ग्रॉसर इन हिज शॉप, तो ग्रॉसर एक है ना, ज्यादा है वहां पे नहीं, एक ही है, तो हम वॉज यूज करेंगे। माय सिस्टर सेड दैट शी वॉज रेडी टू टीच मी, मेरी क्या बोल रही थी, मेरी जो बहन है वो मुझे बोल रही थी कि मैं देखो पढ़ा दूंगी, एक ही जन की बात हो रही है। वी वर, वी देखो वी आया तो हम क्या यूज करेंगे, वेर। द टू विचेस, दो जन की बात हो रही है ना, तो वहां पे वेर। स्नो वाइट डैश अफ्रेड ऑफ द ड्रॉफ बट दे वर वेरी काइंड, जो पहला देखो पहला सेंटेंस में क्या हुआ, जो स्नो वाइट है वो बहुत डरी हुई है, तो हम यूज करेंगे वॉज, एक जन की बात है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रहे, दे, दे मतलब मोर देन टू हो गया ना, तो हम दे आया तो हम यूज करेंगे वेर। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, राइट इन योर ग्रामर बुक। बाय।